करते हैं, कई लोग मुझे शिकायत करते हैं, मिलते हैं, वो ये है कि हमारे ऊपर बहुत दबाव है, काम का, पढ़ने का बहुत दबाव है, कितने लेक्चर अटेंड करने हैं, इतना हमको ये करना है। कल किसी ने कमेंट डाला कि 15 घंटा लगता है मुझे 5 लेक्चर अटेंड करने में, तो ये बेटा इनइफिशियंसी, समझदारी बिल्कुल नहीं है। कि यदि 15 घंटा आप दे रहे हो 5 लेक्चर को अटेंड करने में, तो इसका मतलब आप पता नहीं क्या कर रहे हो उसमें। कि लेक्चर के दौरान ही आपसे कहा जाता है कि आप याद करें, स्पेशली बायोलॉजी में कहता हूं कि लेक्चर के दौरान ही चीजों को आप याद करें, और आपको नोट्स, क्लास नोट्स दिए गए ताकि आपका वो नोट करने का समय भी बचे आपका। तो कुल मिलाकर बात यह कि आप जो है, आपको ये मानकर चल रहा है बेटा कि 15 घंटे टोटल पढ़ने का समय है, तो बहुत अच्छी बात है, फोड़ दोगे एग्जाम में आप, ये भी बहुत ज्यादा समय है। तो आपको अपने टाइम को प्रॉपर मैनेज करते आना चाहिए। दूसरी बात है कि कई लोग दबाव महसूस करते हैं कि भाई हमको प्रेशर लगता है, बहुत दबाव लगता है, हमको कैसे करें काम, ठीक है ना, और मैनेज करने में दिक्कत होती है। ठीक है, मैं आपको क्लियर कर दूं एक बात कि जिन लोगों को अपने दिन भर के टास्क के लिए, जो भी दिन में आप काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उन टास्क के लिए जिन लोगों को जो है दबाव महसूस होता है, मानकर चलिए आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जब दबाव नहीं होगा तो काम भी नहीं होगा। प्रेशर ऑलवेज प्रोसीड टुवर्ड द वर्क, दबाव हमेशा काम को करवाने की कोशिश करता है। ठीक है, कई सारे काम ऐसे होते हैं जो दबाव के कारण ही होते हैं, अपने आप ही आते हैं काम, मतलब हम कोशिश करते लगते हैं उस दिशा में। तो जो जितने सफल लोग हैं वे सब जो है आर्टिफिशियल दबाव क्रिएट करते हैं। अब मुकेश अंबानी जी को कौन बोलता होगा भैया कि तुम उठो, उठ के ऑफिस जाओ, ऑफिस जाके इतनी मीटिंग लो, बोले वो तो सोच रहे एक दिन कि यार अपने पास तो हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए पड़ा हुआ है अपने पास में, अब क्या करेंगे, ठीक है बच्चे अच्छे संभालेंगे, 10-25 मैनेजर रख देता हूं मैं, वो अपना काम संभालेंगे, मैं आराम से सोके उठ के सोता हूं, कोई टेंशन नहीं, कोई लाइफ में चिंता नहीं। लेकिन मुकेश अंबानी जी को, आप मुंबई में रहता हूं मैं जानता हूं, मुकेश अंबानी जी जो है वो बहुत भयंकर काम करते हो, घंटों काम करते हो। अब अमिताभ बच्चन, भैया इतना नाम हो गया, इतना पैसा हो गया, सब कुछ हो गया, अब क्या करना, सुबह उठ के क्यों सुबह उठ के दौड़ने जाओ, ये करो वो करो, जिम जाओ, शूटिंग पर जाओ, ये करो, रिस्क है, आराम से बैठते, लड़का है, लड़का भी तो घर में ही है, देखेंगे बाद में। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि लेकिन वो उठ के निकलते काम पर अपने, अक्षय कुमार है, बहुत कमा लिए, बहुत हो गया, बहुत मूवी हो गया, क्यों सुबह सुबह 4 बजे उठ के अपने आप को परेशान कर रहा, आराम से सोते आराम से, नहीं, क्योंकि जो बड़े लेवल पर जो लोग होते हैं वे लोग अपने ऊपर कृत्रिम दबाव क्रिएट करते हैं ताकि उनका परफॉर्मेंस मेंटेन रहे। मुझे कौन क्या बोलने वाला है भाई, मैं लेकिन मेरी डायरी आप देखो, मैं एक डायरी हमेशा मेंटेन करता हूं, एक पहले वाली डायरी, और देखो आप बकायदा मार्क लगे होते हैं इसमें कि क्या काम मैंने किया क्या नहीं, मतलब हर दिन का ये डायरी, ये वाली डायरी केवल और केवल आपके एकेडमिक्स के लिए कि आज एकेडमिक्स में मुझे क्या काम करना है, मुझे जैसे कि मेरा आज का जैसे मेरा काम जो है वो दिया हुआ है इस डायरी में, पहले से लिखा हुआ है कि नए बैच का डीपीएस चेक करना है आपको 29 जून का, क्रैश कोर्स का डीपीएस चेक करना है आपको, नोट्स बनाने हैं आपको, ठीक है, जो प्लांट एनाटॉमी के की नोट्स को आपको जो है वेरीफाई करना है, फिर आपको जो है रिकॉर्डिंग्स है आपकी काम की बात, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, साइटोलॉजी, एमसीक्यूज, ऐसे करके अलग अलग काम, फिर ऑफलाइन मॉक टेस्ट को चेक करके अपलोड करना है आपको, फिर कॉल करना है, सारा लिस्ट बना हुआ है। अब ये तो मैंने खुद बनाया ना, ये एक आर्टिफिशियल दबाव है मेरे ऊपर कि मुझे इतना काम करना है और उसको टिक करना है, मुझे मैं इस काम कर, मतलब मुझे इसको करना हाईलाइट करना कि कौन सा काम मैंने किया या नहीं किया, ठीक है ना, ये मुझे हाईलाइट कर। मैं भी कभी कभी 100% नहीं कर पाता, नया बच का डीपीएस मेरा कल का काम था, ये आज हम लोग एडवांस काम करते ताकि बच्चों का शेड्यूल गड़बड़ ना हो, कई बच्चे बोलते आप सेम डे नहीं, हम एक दो दिन एडवांस करते ताकि हमारे बच्चे कभी सफर ना करें किसी भी कारण से, ठीक है ना। खैर, तो एक दबाव हम लोग भी क्रिएट करते, तो आर्टिफिशियल दबाव जो होते हैं ना वो आपको बेस्ट परफॉर्म करने में, ट्रैक पर रखने में आपको हेल्प करते हैं। तो